नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जानने वाले हैं जिसे इस्तेमाल कर आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर में बदल सकेंगे। हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर में बदल सकते हैं। ये जिस एप्लीकेशन का आज हम रिव्यू करने वाले हैं वो बीटा वर्जन में है, लेकिन ये आपके लिए उपलब्ध है, आपके लिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है लाल, उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद आपके स्क्रीन पर एक बेल आ जाएगा, उस पर भी टच कर दीजिए। ऐसा करने के बाद आप हमारे जो नए नए लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो आते हैं वो आप जल्दी से जल्दी अपने फ्रंट स्क्रीन पर पा सकेंगे दोस्तों। वैसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को कंप्यूटर में बदलने के लिए जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा LEE। LEE टाइप करने पर यहाँ पर आ जाएगा लीना डेस्कटॉप UI मल्टी विंडो। जस्ट उस पर टैप कर दीजिए दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे 500,000 लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। ये अभी नया आया है, ये बीटा वर्जन में है दोस्तों। इस तरह से इसके थीम्स आते हैं, रेटिंग भी बहुत अच्छी है दोस्तों। अगर आपको ये डायरेक्ट इंस्टॉल करना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ अपनी डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप इसे ओपन करते हैं आप देख सकते हैं इसे इस डायरेक्ट ये कंप्यूटर में हमारा मोबाइल बदल चुका है। अगर आप इसे लैंडस्केप में कुछ बदलाव करना चाहते हैं रोटेशन में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। रोटेशन करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा, लेकिन हमें इस तरह का रोटेशन नहीं चाहिए क्योंकि वीडियो अच्छी क्वालिटी का नहीं आएगा। तो हमें यहाँ से अब रोटेशन ऑफ कर देना है दोस्तों। जिस तरह से ऑन किया था उसी तरह से हम इसे ऑफ कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि किस तरह से वर्क करेगा, तो यहाँ पर आप डॉट डॉट दिख रहे हैं उस पर टच कर दीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे एप्लीकेशंस लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों। अब आप यहाँ पर अर्थ के सिंबल पर टच कीजिए। अर्थ के सिंबल पर टच करने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी ब्राउजिंग कर सकेंगे, इंटरनेट वगैरह कुछ भी। अब हम देखने जा रहे हैं फाइल्स के बारे में। तो फाइल्स इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, हम अभी आपको इमेजेस ओपन कर दिखा देंगे। तो इमेज पर टाइप करने के बाद हमने कुछ पिक्सआर्ट में कुछ इमेजेस सेव कर रखे हैं, उसके अंदर जाकर देख लेते हैं। डबल टैप करने के बाद ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो इसे ऑफ कर देने के बाद वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा, आप देख सकते हैं इसे। आप चाहे तो इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो अब हमें इससे बैक आ जाना है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग का बटन दिख रहा है, उस पर जाकर आप अपनी तरह से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये मेरा बहुत पसंदीदा एप्लीकेशन है और ये सेटिंग है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हर किसी को अपने कस्टमाइज अलग तरह से करता है दोस्तों। तो आप भी अपनी तरह से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन दिख रहे हैं, उस पर टच करने के बाद आप इसे फीडबैक दे सकते हैं या फिर अपने नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब भी देख सकते हैं, लेकिन हमें अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अब देखना है कि किस तरह से हमारे एप्लीकेशन सारे लॉन्च होते हैं। इस पर टैप कर देने के बाद देख रहे हैं किस तरह से हमारे एप्लीकेशन लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों। अगर आप कहेंगे कि अब इसे इस्तेमाल किस तरह से करना है, तो इस्तेमाल इस तरह से करना है दोस्तों, आप किसी पर भी कंप्यूटर की तरह दो टैप कर दीजिए। डबल टैप कर देने के बाद कोई भी एप्लीकेशन हो ओपन हो जाएगा, चाहे वो एप्लीकेशन कोई भी हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब हमें इससे बैक आना। बैक आने के बाद अगर आपको चाहिए कि आपका मोबाइल इस तरह से वर्क करे, बड़ी स्क्रीन आ जाए तो कंप्यूटर की, तो आप इस पर टैप कर सकते हैं। यहाँ पर जो मोबाइल और कंप्यूटर दिख रहा है उस पर टैप करने के बाद ये छोटा हो जाएगा, डबल टैप करने के बाद ये बड़ा हो जाएगा। तो हम छोटा ही रहने देते हैं और फिर से एक बार देखते हैं किस तरह से हमारे एप्लीकेशन लॉन्च होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम अभी आपको रोटेशन ऑन करके दिखा देते हैं। फुल रोटेशन में आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा दोस्तों। आप चाहे तो कोई भी एप्लीकेशन इस पर यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपका मोबाइल अब कंप्यूटर में बदल चुका है दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको इसका इस्तेमाल करना कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में कुछ अच्छी बातें लिखिए और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपकी स्क्रीन के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर लाल कलर का बटन है, उसको तोड़िए फोड़िए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दोस्तों, प्लीज़।